आज का टॉपिक बहुत अहम है डिस्कशन के लिए, सितम की रस्में, बच्चियों पे मुजालिम। पिछली दो दहाइयों से वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इस तरह की टर्मिनोलॉजी बहुत सुनने को मिली हैं। और अपेरेंटली जो है हमारा लिटरेसी रेट वुमेन का इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान में। उसके अलावा जहाँ पे इक्का दुक्का लड़कियाँ नज़र आती थीं ऑफिसेज में, वहाँ पे अब बहुत सारी वर्किंग वुमेन हो गई हैं। लेकिन ये सब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद हम बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि 9-10 साल की बच्ची रानीपुर में एक पीर के हाथों जो है फिज़िकली सेक्सुअली अब्यूज़ होती है और उसका मर्डर किया जाता है, तो हम मायूस हो जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि कसूर में 5 साल की बच्ची का रेप किया जाता है और उसको फिर मार दिया जाता है, तो हम फिर मायूस हो जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि घोटकी में एक हिंदू बच्ची, माइनर हिंदू बच्ची को ज़बरदस्ती एक दरगाह में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम मायूस हो जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि जेकमाबाद में भाई बहन को कारी करके मार देता है, तो फिर हम मायूस हो जाते हैं। और हमें शक होने लगता है कि ये जो सब तरक्की नज़र आ रही है, जो इतनी सारी बच्चियाँ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, मैं यहाँ की ग्रेजुएट हूँ, जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो आई वॉज़ द फर्स्ट गर्ल जो जिसने हॉस्टल स्टार्ट की थी, पहली लड़की थी। लेकिन आज इतनी बच्चियाँ देख के हमारा दिल खुश होता है, लेकिन फिर जब ये सारी दूसरी साइड देखते हैं तो हमें शक होता है कि कहीं ये डिल्यूजन तो नहीं है, कहीं ये धोखा तो नहीं है। इसी के साथ मैं मैडम नूरुल हुदा शाह से अपना पहला सवाल पूछूंगी। मैडम, 1986 में आपका एक ड्रामा आने हुआ था जंगल, जो कि 30 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं उसको, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमें रईस मेहरान जैसे किरदार अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। आज भी जो है, जो किसान की बच्ची है, जो गरीब की बच्ची है, उसका फ़ैसला जिरगे में रईस करता है। मैडम, क्या वजह है? लिटरेचर का इसमें क्या रोल है? या मीडिया जो इतना एक्सप्रेसिव हो गया, इतना आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी इसी तरह की चीज़ें। अभी मैं रिसेंटली आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी BBC की, कि जिसमें सिर्फ जनवरी से जून तक 93 जो सिंध की सिर्फ ख्वातीन हैं जो कि कारोकारी में मारी गई हैं, ये वो केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं, और पता नहीं कितने केसेस हैं जिनका हमें पता नहीं है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। पहले था कारोकारी की हम सुनते थे और बहुत से केसेस पता भी नहीं चलता था, शायद कम भी थे, अब बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक कबायली सिस्टम में इसका, इस माहौल में पूरा हमें नज़र आता है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पिछले काफ़ी कई बरसों से सियासत जो है, वोट और वोटर जो है, वो जागीरदार, पीर और वडेरे के हाथ में वोटर, उसकी ताकत उसके हाथ में दे दी गई है, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल हुआ है। पीर, वडेरा, जागीरदार, सरदार, ये सब ज़्यादा पावरफुल हुए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स में हैं और वोटर इनकी मुट्ठी में है। इसकी ज़ाहिर है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा सियासी पार्टियों पर भी आती है, मेन जो है सियासी पार्टी उस पर बहुत ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी आती है। उसके बाद ये उनके अंदर ये एक जो है यकीन आ गया है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब मफादात का खेल शुरू हो जाए तब ये यकीन आ जाता है, जो मफादात को फरोख्त करता है उसे यकीन होता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिगाड़ेगा तो भी मैं इसमें से निकल आऊँगा, जिसकी वजह आप देख रही हैं, ये रानीपुर जैसे वाक़यात, ये वो सारे। आम लोग जो हैं वो इन लोगों के देखा देखी ये सारा करते हैं। जो गरीब है उसके पास अपना पावर शो करने का और कोई तरीका नहीं है सवाए इसके कि वो उन गलत और सितम की रस्मों को जो है वो फॉलो करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि सिंध में और कबायली तौर पर जो ये सारा ज़्यादा ताकतवर हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये वोटर जो है
उसकी गर्दन इनकी गिरफ्त में दे दी गई है, जिसकी वजह से सब ताकतवर हो गए हैं और इस तरह के फैसले करते हैं। दूसरी बात मैं अपनी मुख्तसरन कहूँगी कि इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिरगे को, जिरगा कल्चर को इनक्रेज करती आई है हमेशा से, ताकि ये स्टेप है वो उस लेयर्स में जो है, आप जब ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो लेयर्स में चलते हैं, एक अपना लेयर तो है उसके नीचे आप लेयर्स रखते हैं, वो जो नीचे के लेयर्स हैं उनमें ये इसका जिरगे का सिस्टम भी शामिल है। सो वजह सिर्फ एक है, आम लोगों की गर्दन नीचे के लेयर्स में ताकतवरों के मुट्ठी में दे दी जाए, सो ये तब तक मामला नहीं ख़त्म होंगे, हमें मायूसी होती है, तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब ऊपर की सतह से सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट इसे ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की मैडम, आपकी तरफ आऊँगी इसी बात के साथ कि जब हम डिफरेंट एक्ट्स की बात करते हैं, रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सिंध हुकूमत ने लॉज दिए हैं शायद ऐसे किसी ने भी लॉज नहीं दिए, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स। लेकिन कंट्रोवर्शियल सूरत हाल ये है कि जहाँ पर वो हमारे हकूक़ की बात कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज दे रहे हैं, उसी के साथ साथ वो ऐसे वडेरों को, ऐसे रईसों को, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में भी बिठा रहे हैं जो कि इन सारे सिस्टम को प्रोमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम फिर क्या समझें कि उनके, क्योंकि आपका सियासत से भी ताल्लुक़ है, कि जो उनके जी आपसे मैडम, उनके जो उनका जो अमल है और उनकी जो कॉल है, क्या उसमें तजाद नहीं है? ये हमें अभी तक नहीं पता चला मैडम, फिर इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि आपका भी सियासत से ताल्लुक है और बिलखसूसन पीपल्स पार्टी से। ये मुझसे पूछ रही है। जी मैडम, नहीं बात ये है कि ये चीज हम ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम किस किस से इसका शिकवा करें और शिकायत करें। आप जब पॉलिसी मेकिंग की बात करती हैं और आप सियासतदानों की बात करती हैं, तो सियासतदान अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किसकी तरफ देखते हैं? उनको आवाम की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, उनको आवाम की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आवाम को खींच के ले आए पोलिंग स्टेशन तक, उनको वोट दे दें, उनको जितवा दें और उसके बाद बात ख़त्म। उसके बाद आप ये देखिए, जितनी भी कानून साजी होती है वो कानून तो बन जाता है और बनना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त उस कानून की ज़रूरत होती है उस वक्त आपको इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने पड़ते और आप कहते हैं इस कानून का सहारा ले लें, तो ठीक है वो एक आपके पास है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कौन है, उस पर अमल दरामद करने वाला कौन है? दो बहुत मजबूत फैक्टर हैं आपके पास, एक सियासतदान है और एक आपके ब्यूरोक्रेट हैं। ब्यूरोक्रेट सियासतदान अपनी मर्जी के लेके आता है, जो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। पंजाब में आज क्या हो रहा है आप देखिए, कोई कहाँ से आ गया है तो जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो सलाम भी कर रही है, हाथ जोड़ के भी खड़ी हो रही है, जो पेपर साइन करवाने हैं वो जाके एयरपोर्ट पर जाके करवा के आते हैं। तो क्या कानून और किस तरह की चीज़ें? तो आप जो बात कर रही हैं कि सियासतदानों की जो मतलब कंट्राडिक्शंस हैं उनके, उसमें आवाम की बात करेंगे लेकिन मफाद उनके अपने सामने होते हैं, जो अपने सामने रखते हैं, उसमें औरत मरती है तो मरे, नाज़िम जोखियों की बीवी अकेली रह जाती है बेचारी, चीखती रहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसको पैसे पकड़ा दिए जाते हैं, वो कहती है कि कोई, और वो बच्ची जो इस वक्त फातिमा का किस्सा चल रहा है, अभी तक तो जो भी हैं शाह साहबान और गद्दी नशीन इस वक्त तो हैं वो जेल में या कैद में नहीं है, अभी तक तो जेल है और उनको, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से बड़ा कोई हादसा हो जाएगा, हम सब भूल जाएंगे और उनको प्रोटेक्शन होता है। नाजिम जोखियों के मामले में एक पार्लियामेंटेरियन वॉज इन्वॉल्व, उसको दुबई से लाया गया था, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था, पूरे प्रोटोकॉल में वो कोर्ट में जाता है और वहाँ से जमानतें होती हैं, क्या नहीं होता,
तो आप ये चीज़ें देखिए कि ये तो पढ़ा लिखा क्राउड है, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सबको अपने अपने इलाके के बड़े आदमी का, MNA का, MPA का, उनका रवैया तरीका उन सबको पता है। आज क्या बहस हो रही थी बाहर कि भई आप लोग जानते हो ना कि ये लोग कौन हैं। नूरुल हुदा शाह क्या कह रही थी, यही कह रही थी ना कि आप सबको पता है कि ये कौन है, ये पीर कौन है, ये शाह कौन है, ये वडेरा कौन है। तो हम सब जानते हैं ना, लेकिन फिर जाके वोट देकर आते हैं। क्यों? बेटे की नौकरी चाहिए, अपना तहफ़ चाहिए, भाई इसी इलाके में रहना है तो इनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो व्हाट द हेल वी आर डूइंग। हम पढ़े लिखे लोग भी अगर इतने ही मजबूर हैं, इतने ही परेशान हैं, तो फिर ये सारी पढ़ाइयाँ, ये तमाम चीज़ें हमारे बड़ों ने जो किया, जो किशोर नाहिद साहिबा ने बताया कि क्या किस किस तरह से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया घर से लेके आखिर तक। लेकिन एक अज़्म होता है, एक सोच होती है, वो सोच रायगा नहीं जाती है, दो लोग भी सोच लें तो तीसरे तक बात पहुँच ही जाती है। आज हम जब बोल के निकलेंगे तो शायद एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार बच्चियां समझ के जाएंगी। जिन पर गुजरती है वो समझता है, जो उससे गुजरता है उसको पता है कि क्या मुसीबतें हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन आपको अपनी सोसाइटी में नज़र आता है बिटवीन द पार्लियामेंटेरियंस, देयर एटीट्यूड, देयर प्रैक्टिस एंड टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड एंड गिविंग देम दिस लिबर्टी कि तुम्हारी परवाह नहीं है, पैसा चलता है, इलेक्शन से एक रात पहले पैसा चलता है, पोलिंग स्टेशन तुम्हें, उस वो जो पोलिंग स्टेशन जहां होती है उसके आदमी को, वडेरे को, या जो वडेरा बेचारा तो एवं ही बदनाम हो गया है, वडेरो असां वटि इज़त जी ॻाल्हि हूंदो हो बाबा तक जो वडेरो आहे, फ़ैसला कंदो, मथे ते हथु रखंदो। हाणे उहो वडेरो इन शइ जी ज़मानत ॾींदो त इहा पोलिंग तोखे खटाए ॾियणी आहे, ऐं पोइ उन घर में हिकु पर पर्सन, घणा ॼणा आहियो भाती, घणा आहियो वोट ॾियण वारा? साईं असां 10 आहियूं। अचे हे तव्हांजो 1,00,000 रुपयो, उसकी तो ईद हो गई न। दिस इज़ योर पॉलिटिक्स, दीज आर द कंट्राडिक्शंस, दीज आर द रियलिटीज़ एंड दिस इज़ द ट्रेजेडी। अच्छा मैडम, मां त तव्हांखां हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि पुछंदी हलां, त जीअं फातिमा फुर्रो या फिर रिज़वाना जैसी बच्चियां आहिनि, जब उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हम कहते हैं कि भाई इनके वालदैन पढ़े लिखे नहीं थे, या उनकी पिछली सारी नस्लें जो अनपढ़ थी, तो हम इस सूरत हाल में जहालत को चलो इल्ज़ाम दे दें। लेकिन जब नूर मुकद्दम जैसी और जब सारा इनाम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां भी इसी जुल्म का शिकार होती हैं, अगर देखा जाए तो जो मारने वाला है वो भी पढ़ा लिखा है, जो मरने वाली है वो भी पढ़ी लिखी है, तो इसमें हम क्या समझें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि एक औरत को मजबूत कर रहा है, या फिर हम इसको किस तरह से देखती हैं आप, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इस केस में एजुकेशन और सिस्टम या इसकी बात नहीं होती, वो इंसान की नफ्सियात की भी बात होती है, उसके बैकग्राउंड की भी बात होती है। नूर मुकद्दम अच्छी लड़की होगी, उसकी दोस्ती थी, वो उधर चली गई, उसको क्या पता था कि वो जो सामने वाला बंदा है उसके जहन में क्या चीज़ है। वो पागल भी हो सकता है, वो अजीब व गरीब उसकी साइकी भी हो सकती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो आप बहुत सारे लोगों की बातें सुनती है, पढ़े लिखे लोग कत्ल भी कर देते हैं, लेकिन इतनी बेदर्दी से किसी को मारना वो कोई एक आम आदमी तो कर नहीं सकता ना, यकीनन उसकी कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन होगी। तो देखिए, इंसान की सोच एहसास जो है, या उसकी वो कोई पढ़ाई पर नहीं डिपेंड करता है, पढ़ाई आप किसी को पढ़ा लें, सब पढ़े लिखे। खवातीन के लिए कैसे ज़्यादा है? नहीं, खवातीन तो देखिए, एक लिबर्टी तो है ना औरत को, वो भी बाहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको तो कोई हर्ज नहीं महसूस हुआ ना कि मैं इसके साथ के पास जा रही हूँ, उसको क्या पता था वो उसको बंद करके रखेगा। वो चीख रही है ऊपर से, उनका चौकीदार उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसके पड़ोसियों को नहीं बता रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक अलग अलग चीज़ में तो देख सकते हैं एज अ केस, लेकिन इसको न तालीम उसकी कोई वजह है, न लड़कियों की आज़ादी कोई वजह है। एक लड़की अच्छाई में गई है, वो लड़का कोई और चीज़ सोच के बैठा है, तो ये एक तो दूसरी चीज़ होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं औरत के तहफ़ुज़ की, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है।
वो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो तहफ़ कहाँ से आएगा? माँ बाप बचाएंगे? अगर फातिमा की बच्ची फातिमा जा रही है पीरों के घर में तो वो आम रिवाज है, मुरीद जो है वो अपनी बच्चियों को छोड़ के चले जाते हैं। ये खिदमत कंदी असांखे जन्नत कमाए ॾींदी, पीरन जी खिदमत थी करे। 10 साल की बच्ची, यार खुदा का खौफ करो, तो सारे अंधे हैं। ये आम तरह से होता है, सिंध में किथे नथो थिए। पीरन जे घरनि में मुरीद वेठा मानियूं पचाईंदियूं आहिनि, मायूं ख़िदमतूं कंदियूं आहिनि, ॿारियूं वठी ईंदियूं आहिनि, बच्चा खिला दो, ये कर दो। तो ये तमामु चीज़ें जो हैं, वी हैव टू गो डीप इन टू द इशूज़। और उसमें और ॿारनि जी माउ पीउ जा माउ पीउ बि ज़िमेदार आहिनि। उनखे तव्हां गुरबत चओ, उनखे तव्हां सख़्तु ज़िंदगी चओ। चलो ॿियो कुझु न, असां कपिड़ो लटो नथा ॾेई सघूं, हिनखे टे वेला मानी मिलंदी। अंदरि छा आहे उन माईअ खे बि शायदि ख़बर कोन्हे। बट आई एम सरप्राइज दे वर हैविंग दी कैमराज इन साइट, आई एम स्टिल वंडरिंग वाई। और बीवी देखने आ रही, व्हाट द हेल। थैंक यू मैडम। अच्छा असां सां गॾु आयशा परवीन खंड साहिबा आहिनि, शी इज़ हाई कोर्ट एडवोकेट। मैडम तव्हां खां दियत जे कानून, कसास ऐं दियत जे कानून जे हवाले सां सवाल कंदसि। त खोड़ सां अहिड़ा वाक़िया आहिनि, मिसाल नाज़िम जोखियो जो वाक़ियो हुयो, या छाजे करे इहे असांजो जेको टॉपिक आहे स्पेसिफिकली नियाणियुनि जे हवाले सां आहे। कंदील बलोच जो वाक़ियो हुयो, जंहिंमें दियत जे कानून जे तहत जेको आहे उन्हनि खे माफ़ु कयो वियो हुयो। त इहो कानून शरीयत जे हिसाब सां असां वटि आहे, उन में इहो प्रोविज़न आहे त जेका फैमिली आहे या जेके गार्डियन आहिनि उहे माफ़ु करे सघनि था। मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त हिन अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं असां जहिड़ा माण्हू जेके रोड ते था निकिरी अचनि ऐं जॾहिं अचानक सां जेको आहे नाज़िम जोखियो जी ज़ाल कंहिं बि प्रेशर में अची करे, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उनजा खोड़ सारा फैक्टर्स आहिनि, माफ़ु थी करे छॾे, या सुभाणे फातिमा फुरड़ो जी जेका आहे माउ पीउ उहे ग़रीब आहिनि वीचारा, प्रेशर में अची करे माफ़ु था करे छॾनि, त इन में कोई अहिड़ो रूम आहे जंहिंमें जेको आहे जस्टिस जे लाइ वरी रुजू करे सघिजे? या छाजे करे इहो मसलो हिकिड़ी नियाणी जो न आहे, इहो मसलो असांजी पूरी सोसाइटी जो आहे। मैडम आयशा, आपसे बाद में कमेंट्स और सवालात बाद में लेंगे, प्लीज़ टाइम बहुत कम है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दियत और जो आपने पूछा दियत अमाउंट के हवाले से, जब ये कोई अफेंस होता है तो लॉ ये कहता है कि उसको पनिश दें, यानी ट्रायल चले, ट्रायल के बाद पनिश हो। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें भी होती हैं कि कंपनसेशन, यानी फसाद न फैले। अगर दो लोग आपस में यानी सुलह करते हैं और वहाँ पर ये चीज़ होती है कि इससे ज़्यादा आगे कोई फसाद नहीं जाएगा, तो वहाँ पर कानून ये चीज़ें इख्तियार है कि भाई उसमें वो अपना यानी कंपनसेशन करते हैं, यानी कहते हैं ना जिसको हम कि सुलहनामा, सुलहनामा होता है कि आइंदा ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, आइंदा यानी उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ये उसकी सज़ा भी है, इसमें सज़ा, यानी पहले तो वो गिरफ़्तार होते हैं, जेलों में होते हैं, जैसे आपने अभी बात की है फातिमा फुरो केस की, या जो अपने कंदील वाला केस की बात बोली कि वो बंदा जेल भी गया है, जेल में भी रहा है, उसने ये चीज़ें भी, यानी इसको ये नहीं है कि उसको सज़ा नहीं मिली है, ये सज़ा का अल्टरनेट है। या तो सज़ा मिले उसको, या वो पैसे देकर यानी अपना यानी जुर्म यानी किया है उसने कबूलदारी की है तभी यानी उसको सज़ा के तौर पे ये पैसे भर के देने पड़ रहे हैं। ये यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कहते हैं कि खून का बदला खून, आँख का बदला आँख। मैडम ये कानून उस सोसाइटी में काम करता है जिसमें इसका एसेंस ही ये है कि वहाँ पे इक्वालिटी हो, ठीक है? जब इस्लाम इसका कॉन्सेप्ट देता है तो वो बराबरी होगी, इक्वालिटी होगी, इंसाफ होगा, फिर दियत का कानून आता है तो समझ आता है। हमारे देखिए ये ला तो है ना, ला इसमें रूम, आप बताएं कि इसमें कोई और रूम है, क्योंकि ये लॉ तो है, अब इसमें कोई और रूम है जिसमें हम जस्टिस के लिए रुजू किया जाए अगर इस तरह? अच्छा, इसमें ये है कि कोई ऐसी एविडेंस आ रही है जैसा जहाँ पे जस्टिस समझ रहे हैं कि भाई अगर इन लोगों ने प्रेशराइज आकर, प्रेशर में आकर ये चीज़ें की हैं तो वो वहाँ पर आगे काम आता है जस्टिस का। फिर जैसे अभी एक दो केसेस हुए हैं जिसमें उनको अगर फाइन, जैसे आपने सुना होगा केसेस में फैसले आते हैं ना, तो उसको इतने साल की सज़ा, ऊपर से फ़ाइन लगाया होता है, यानी ये फ़ाइन भी जो होता है, सज़ा भी है, फ़ाइन भी है। अगर कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें उसके विक्टिम के जो वर्सा हैं वो आते हैं कोर्ट में, कहते हैं कि भाई हमने ये चीज़ नहीं की है, सुलहनामा नहीं किया है, तो जस्टिस है,
कानून है उसको सज़ा मिलेगी अगर वो आकर बोलते हैं, अगर वो खुद ही लोग आकर बोलेंगे हमने सुलहनामा कर दिया है, बिल्कुल ये हमारे मुजरिम हैं लेकिन हमने सुलहनामा किया है, सुलहनामा किया है, ऐसे सुलहनामा नहीं होगा, यानी जो खून का बदला है यानी उसका कंपनसेशन अमाउंट है, जैसे हमारे फेडरल यानी जो शरीयत कोर्ट है वो हर साल मुकरर करती है सिल्वर रेट 30,630 रुपये, कोई सिल्वर का हर सालाना रेट होता है, यानी वो मुकरर करती है कि इस हिसाब से दियत अमाउंट कंट्रीब्यूट करके वर्सा को दिया जाए, अगर वो सुलह होती है तो यानी उसका मुआवजा मुआवजा अगर ठीक है। हम कह रहे हैं कि आपका सवाल है कि कोई ऐसा प्रिवेंट हो कि उसको जस्टिस मिले, ये कहीं कहीं ये लोग कहते हैं कि भाई हमें फसाद में नहीं पड़ना, अगर एक बंदे को आगे चल के सज़ा हो जाती है फिर वो बदला लेने की सोचते हैं कि नहीं भाई हमारे बंदे को उस लोगों ने सज़ा दिलवाई, कहीं पे अगर वो दो जो फैमिलीज हैं वो अगर आपस में सुलहनामा कर रही हैं तो उनके लिए ये फिर कानून है, अगर नहीं कर रही तो फिर वो कोई भी वर्सा आकर कोर्ट में अप्लीकेशन दे सकता है, फिर वो केस चलेगा और आगे चल के ये सारी चीज़ें उनको सज़ाएँ भी मिलेंगी और दूसरा उसके साथ ये चीज़ यानी अर्श यानी उनकी दियत अमाउंट भी उसको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आयरनी ये है कि ज़्यादातर क्या 100% मैंने तो यही देखा है कि दियत के जितने भी केसेज आते हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है वो जो है माफ़, जो कमज़ोर पार्टी होती है वो माफ़ करी होती है, कभी हमने ये नहीं देखा कि कमज़ोर पार्टी जो है वो यहाँ पे जो है उसको प्रिविलेज हासिल हो या स्ट्रांग पार्टी यहाँ पे विक्टिम हो रही हो। ये ला का एक प्रिवेन है कि कमज़ोर हो या ताकतवर हो, जी बिल्कुल ला का है, लेकिन इन शॉर्ट कि हमारे पास कोई ऐसा जैसा रूम नहीं है जब तक कि स्टेट खुद इस पे केस नहीं करती है, जैसे कि यूके की गवर्नमेंट में है जहाँ पे स्टेट जो है हर क्राइम को एक स्टेट क्राइम के तौर पे लेती है और ये प्रोविजन होती है कि स्टेट उस पे खुद कर सकती है केस। अच्छा, मैडम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बोलना, दियत का जो मामला है नस्ल दर नस्ल जो जिस तरह कबायली निज़ाम में जो है नस्ल दर नस्ल कत्ल चलते रहते हैं इंतकाम में, उसके लिए हुक्म है कि सुलह करो, कुछ दे दिला कर आपस में सुलह करो, जंगों में जो होता है दोनों तरफ से जो है उसमें सुलह का है, हादसे में जो कत्ल हुआ है हादसाती कत्ल जो हुआ है झगड़े में कत्ल हुआ है दो लोगों के उसमें हुक्म है सुलह करो। ये जो पाकिस्तान में ये रवायत डाली गई है कि जुल्म में दियत है, जुल्म में दियत नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, जुल्म में जुल्म जहाँ है वहाँ वो बंदा वो लड़की या लड़का वो शख्स या औरत जो भी है जुल्म का जहाँ तक मामला है तो स्टेट का उसे वो शहरी है वो उसे ओन करती है, स्टेट का फ़र्ज़ है, उसमें कोई दियत नहीं है। यानी ये एक अननेचुरल बात है जो पाकिस्तान के कानून में जिसकी मिलावट कर दी गई है, फ़कत नस्ल दर नस्ल जो इंतकाम है उसमें दियत है, झगड़े में दियत है दो बंदों के हो या दस के हो उसमें दियत है, जंग में कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसमें दियत है, जुल्म में दियत नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं और वो जुल्म की तरफदारी में इस दियत को इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। सर ग़ुलाम शबीर शर आपके पास आऊँगी, सर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। सर आपसे जो मेरा सवाल है, जब हम पाकिस्तान की बच्चियों की बात करते हैं तो हम हिंदू बच्चियों की भी बात करते हैं, हम क्रिश्चियन बच्चियों की भी बात करते हैं, असं और न्याणी जी भी गाल क्यों था, असं मेघवाड़ न्याणी जी भी गाल क्यों था, हर उन न्याणी जी गाल क्यों था जेको पाकिस्तान जी सिटीज़न है पाकिस्तान में रहे थी। सर फोर्स्ड कन्वर्जन एक तमाम वो इशू है, ऐसा सभी के खबर आए तो ये एक ना सिर्फ इनमें रिलीजियस फैक्टर आए बल्कि खोड़ सारा इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स भी आए, पर जने माइनर जी जब माइनर कन्वर्जन की बात होती है तो ये एक बहुत संगीन मसला है और डेली यकीन करें रोज़ ये एक केसेस हो रहे हैं और
इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि ये कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जो कि उनको कन्वर्ट कर रही है, ये वो दरगाहें हैं जो खुली हुई हैं और वहाँ पे ये कन्वर्जन चल रही है जिसकी कोई स्क्रूटिनी नहीं है। इवन ये तक चेक नहीं किया जाता है कि बच्ची की उम्र क्या है, 18 साल से पहले जो है बच्ची की विटनेस वो नहीं बन सकती, वो वोट नहीं दे सकती, वो शादी नहीं कर सकती हमारे स्टेट लॉ के मुताबिक और सिंध के लॉ के मुताबिक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते 18 साल से पहले बच्ची को। तो ये जो दरगाहों में हो रहा है इसके मुताबिक आप क्या कहते हैं कि कानून के फ्रेमवर्क में अगर इसके खिलाफ हम कोई, ये है तो सही, इसको हम, इस रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई ऐसी तंजीम तहरीक चलाती है, शहरी तहरीक चलाते हैं, तो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में उसको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, कोई इस तरह का रूम है इसमें? ये इख्तियार नहीं है कि किसी को मजहब तब्दील करने पर मजबूर करे, वो कानून में है ही नहीं। ये जो मौलवी जजेस हैं और मौलवी पुलिस वाले ये करते हैं सारा। मैंने केस कंटेस्ट किया था रेंकल कुमारी का, रेंकल कुमारी का केस मैंने जब कंटेस्ट किया इस्लामाबाद में, इफ्तिखार चौधरी साहब जज थे, उसकी 3 जजेस बेंच थी और लड़की ने क्लियरली कहा कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले कोली जो एक बच्ची थी, कोली जिसका था, भी उसका भी कई मिसालें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सारे ये केसेस कंटेस्ट किए हैं और मैंने जजेस का रवैया देखा है, तो उसमें कहा कि आप जो है ना वो सोच करके आए। लड़की ने एक और बात भी की, लड़की ने कहा कि मुझे ट्रेन में, मैं आ रही थी, इसी इंस्पेक्टर ने मेरे साथ रेप किया है। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि क्योंकि मैं जो हूँ ना वो नमाज पढ़ता हुआ आ रहा हूँ तो वो इसको अच्छा नहीं लगा है, इसी वजह से ये मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही। उसको भी जज साहब ने दरकदर कर दिया। फिर 2 घंटे के बाद फिर दोबारा उसको बुलाया, लड़की ने पर्ची लिख कर के दी कि भाई मैं ये देखे, मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, मेरी माँ खड़ी है, मेरा बाप खड़ा, सब यूसुफ लगारी मेरे साथ था, हम दोनों कंटेस्ट कर, हम कह रहे थे कि ये आप इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, उठ कर के चला गया, वहाँ से आर्डर भेजा कि लड़की अपने शोहर के साथ जाएगी, और लड़की चीखती रही, चीखती हुई गई। एक दूसरा केस था, वो भी मैंने वहाँ पर कंटेस्ट किया, मैंने उनको कहा कि भाई बात सुने, ये ठीक है, आज ये लड़की मुसलमान हो गई, इसका रिश्ता अपने माँ बाप से ख़त्म हो गया, न इनका भाई प्रोटेक्ट का, रिश्तेदार प्रोटेक्ट करते हैं, माँ करती है, बाप करता है, भाई करता है, मामू करता है, चाचा औरत का प्रोटेक्ट वो करता है कि कल इस पर कोई तशद्दुद करेगा, क्या कुछ भी करेगा या स्याकारी करके इसको मारेगा, कौन इसके लिए, कोई नहीं होगा इसके लिए। तो इसके लिए जो ये बंदा जिसने ये शादी की है, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इससे कहा जाए कि ये प्रॉपर्टी इस लड़की के हवाले करे और फिर लड़की ये विल दे कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इसके मरने के बाद, ये सूट को जाएगी या अब्दुल सत्तार इदी की ट्रस्ट को जाएगी, इनको नहीं जाएगी। तो जज ने कहा ऐसा तो कानून ही नहीं है। मेरे कानून है, आप कोर्ट हैं, आप इसके माँ बाप बन जाएं, इसको प्रोटेक्ट दें, कल ये मारी जाएगी, कौन होगा इसको? तो उस पर जब हमने स्ट्रेस किया तो उन्होंने कहा भाई क्या है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा CNG है हमारे पास, शर्त है उबाड़ो के कि भाई उसके डॉक्यूमेंट्स ले आओ। दूसरे दिन वो लड़का ही नहीं आया, लड़की मजबूरन अपने माँ बाप के साथ जो है वो बैठ दी गई, भाई वो नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई ये CNG में हम दूसरे भी आपस में उनका झगड़ा हो गया। दूसरा SI केस जकाबाद का था, उसमें भी मैंने यही शर्त रखी लेकिन जज ने नहीं माना, जिन्हें कहा कि हम यहाँ पर ये करने के लिए नहीं, बस उसने इस्लाम कबूल किया है वो जाएगी। मैं कि उसने जो कि सिर्फ जो है ना, मैंने कहा कि इस्लाम आज तक जितना भी हुआ है सिर्फ औरतें ही कबूल कर रही हैं, मर्द क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी आप इस चीज़ को लिखें, इसको भी आप ऑब्जर्व करें। तो जज ने एकदम मेरे ऊपर फतवा दे दी कि आप तो जो है वो माजी में कम्युनिस्ट रहे, आप धैर्य हैं। मैंने कहा कम्युनिस्ट कोई मजहब नहीं है, वो कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कानून की बात कर रहा हूँ, आप उस पर चलें। तो ये मौलवी जजेस जब तक हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे, और मौलवी पुलिस वाले ये मुफ्त में सवाब कमाने के चक्कर में होते हैं,
मुफ्त में जन्नत में जाने के चक्कर में होते हैं, ये उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। मैडम नूरुल हुदा शाह, आपसे एक सवाल करूँगी कि हम अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम कोई भी ऐसा ग्रुप या ऐसी तंजीम या ऐसी एनजीओ नहीं बना सके हैं कि जो कि या तो वो हैं एनजीओज, या तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, या तो फिर इस तरह की हैं कि जो एक सानिया हो जाता है उसके बाद फिर वो उस पर काम करते हैं, मतलब वो इस तरह के आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे ख्वातीन के साथ मसले हो रहे हैं, फिर वो जाके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मारा गया उस पर जाके केस करना है या किसी को मारने की धमकियाँ आ रही हैं उसको बचाना। लेकिन कोई ऐसी तंजीम जो कि एडवोकेसी पे काम कर रही हो, लॉबिंग पे काम कर रही हो, मोबिलाइजेशन पे काम कर रही हो, हम इंडिविजुअल सब थोड़ा बहुत अपनी जगह पे काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मजबूत तंजीम नहीं है, तो आप जैसी ख्वातीन आप जैसी मजबूत और बहादुर ख्वातीन अगर मिलकर कोई ऐसी तंजीम बनाएं, कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें हम जैसे जो नए लोग हैं उनको रहनुमाई हासिल हो और बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जहाँ तक वैसे पहुँचा नहीं जा सकता वहाँ पर उनके वालिदैन की मोबिलाइजेशन हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम इस तरह से नहीं अपने सिस्टम को बदल सकते जब तक हम अपने पेरेंट्स को, जैसे आपने कहा कि मैडम मेहताब ने कहा कि वो लोग खुद ही गुलामी जब कर रहे हैं तो उनकी जब तक मोबिलाइजेशन नहीं होगी तो तब्दीली कभी भी नहीं आएगी। तो इस तरह की कोई अगर हम तंजीम, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और इस पर आपसे कमेंट भी लेना चाहूँगी। हमारी बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी यंग और हमारी बहुत से नाम हैं, जैसे आप भी बहुत से नाम जानती हैं, एनजीओज़ हैं, इन्होंने काम किया है, कर रही हैं, ये सही है। हादसा वाकया होता है कत्ल का और उसके बाद जाहिर है कि उनमें थोड़ी सी उनमें खासी मूवमेंट आती है और वो करती हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, कोई भी तंजीम समाज में, इस तरह के समाज में जिस पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, कोई भी तंजीम उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकती सवाए इन नौजवान लड़कों के जो यहाँ बैठे हैं। ये जब तक उठकर खड़े नहीं होंगे, ये जब तक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये जब तक अपनी बहनों का और बेटियों का साथ नहीं देंगे, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेहताब अभी वोट की जो बात कर रही हैं, मैंने भी जो ये वोट के लिए बात की कि वोटर की गर्दन है इन लोगों के मुट्ठी में, उस गर्दन को भी जब तक ये लोग नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सिंध की लड़कियां इन कबायली निज़ाम, तो आप सबसे बड़ी मिसाल तुम खुद बैठी हो, बहुत बड़ी मिसाल हो, तो हमारी कबायली समाज की लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं, उनकी सोच, उनका शऊर हमारे नौजवानों में भी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि वक्त इनका इंतज़ार कर रहा है कि ये फजूल उन बातों में जाने के बजाय, झगड़ों में जाने के बजाय, सियासी गिरोबंदियों में जाने के बजाय, किसका लीडर ज़्यादा अच्छा है, किसका लीडर ज़्यादा बुरा है, किसका लीडर अजीम है, किसका लीडर जलील है, इसमें से निकल कर अपने समाज के लिए उठकर खड़े नहीं होंगे। ये रानीपुर जैसे वाकयात जो हैं, ये लोग जब तक रानीपुर जैसे पीरों फकीर, ये जो पीर हैं पूरे, इन सब के ख़िलाफ़ उठकर खड़े नहीं होंगे, अपने वालदैन को नहीं कहेंगे कि ये कोई सैयद तुम्हारी कयामत जो है वो अच्छी नहीं करेगा, दुनिया ही तुम्हारी दोजख कर देगा जब तक तुम खुद नहीं उठोगे। अभी इन्होंने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा दो लफ्ज़ उस पर कहूँगी कि वो बिल्कुल सही है कि ये जो मौलवी जजेस हैं और दूसरे मौलवी हजरात हैं, जो ये सारे जो जिस तरह का इस फोर्स्ड कन्वर्जन का मामला चला रहे हैं, एक बात याद रखें, मैं इन नौजवानों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये जो कहा जाता है कि जो लड़की मुसलमान हो गई, हुई या नहीं हुई, ये तो एक अलग सवाल है कि वो घर जाकर वापस हिंदू हो जाएगी, मामला तो दिल का है ना। आज उसने किसी एक वजह से इस्लाम कबूल कर लिया, कल जाकर जो है वो अपने भगवान के सामने खड़ी हो जाएगी, इसका गुनाह किसके सर आएगा? उन मौलवियों के सर आएगा जो ये खेल रहे हैं, उसके सर नहीं आएगा, वो तो नौ उम्र लड़की है। लेकिन दूसरी जो वालदेन से छीन लेते हैं उनको,
قرآن پاک میں والدین کے حقوق پر جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ اس زمانے کی آیات ہیں, مسلمانوں پر کے لیے نازل ہوئی ہیں نا, لیکن یہ اس دور کی آیات ہیں جب بہت سے مسلمانوں کے والدین مسلمان نہیں تھے. انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرو. یہ نہیں لکھا ہے کہ تمہارے والدین مسلمان ہوں یا وہ ایمان لے آئے, جو بھی اس کے بعد جو ہے ان کے حقوق ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, یہ گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. اور میں تنظیموں کے بالکل میں نہیں سمجھتی, میں پہلے بھی باہر بھی یہ کہہ کے آئی ہوں, ابھی بھی کہہ رہی ہوں, یہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ یہ سارا ختم کر سکتے ہیں. میڈم مہتاب راشتی سے آخری سوال کروں گی, پھر ہم اپنے پینل کے صدر کی طرف جو ہے ان کی رائے لیں گے. میڈم مہتاب, ہماری جو ہے اس چیز سے آپ بھی اس چیز پہ متفق ہوں گی کہ جس سوسائٹی میں عورت کو یا ہماری یوتھ کو امپاور نہیں کیا جاتا, وہ سوسائٹی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اسپیشلی پاکستان میں جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا بہت بڑا حصہ خواتین اور یوتھ پہ ہے. تو میڈم جب ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو سیاست ہے, کیونکہ وہ ہماری پالیسیز بھی بناتے ہیں, ہمارے اداروں کو بھی چلاتے ہیں, ہمارے ملک کو چلاتے ہیں, اس میں ہم اگر دیکھا جائے, اسپیشلی میں سندھ کی بات کروں گی, کہ ہماری جو خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت کم ہے. ایون ایک تو یہ کہ ہماری جو الیکٹڈ خواتین ہیں وہ بہت ہی کم ہیں جنرل سیٹ. مجھے نہیں پتا کہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا یا ان کو لگتا ہے کہ ہم خواتین الیکشن جیت نہیں سکتے. ایون ریزرو سیٹ میں بھی جتنا کوٹا ہے اتنی ان کو نہیں دی جاتی. اور یوتھ کا جو ہے بہت ضروری ہے کہ کوٹا ہونا چاہیے. اس حوالے سے, کیونکہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے, ایک تو یہ ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ جیسی جو خواتین ہیں, جو امپاورڈ عورتیں ہیں, جو حقوق کی بات کرتی ہیں, ان کو اسمبلیوں میں اس بات پہ ضرور بات کرنی چاہیے. یہ ریکویسٹ بھی ہے, اور اگر آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو پلیز. مجھ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیے, ہم گھوم پھر کر پھر ایک ہی بات پہ آتے ہیں, امپاورمنٹ آف ویمن. مجھے امپاورمنٹ کہاں سے ملی؟ میں تو بہت دیر میں پڑھی, اسکول میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, کالجز میں گئے. مجھے تو امپاور میرے باپ نے کیا, میری ماں نے امپاور کیا. میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی لڑکیاں پڑھیں گی, چاہے پڑوس والوں نے اور پڑوسیوں نے اور رشتہ داروں نے کچھ بھی کہا ہو. شادی کے بعد میں نے کیسے یہ راہ اپنائی, میرا میاں میرے ساتھ کھڑا رہا ہے. مائی ہسبینڈ اسٹوڈ وتھ می. سید ہے, کنزرویٹو خاندان سے تعلق ہے, لیکن روشن ذہن رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اور مضبوط ہو جاتے ہیں, عورت اور مضبوط ہو جاتی ہے جب اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں. اب میرے بیٹے اتنے بڑے ہو گئے, اگر وہ اپنی کسی بیوی کے ساتھ تھوڑا زور سے بولتے ہیں. بلکہ جب رافعہ کی شادی ہوئی تو میں نے اس کو بلا کے کہا کہ تم دونوں ساتھ پڑھے ہوئے ہو, کلاس میٹس ہو, چک چک کرو گے, زور سے بولو گے, جو کچھ بھی ہوگا کمرے کے اندر ہوگا, لیکن اگر تم نے مریم کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور تم نے بدتمیزی کی تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں, میں اس کی ماں ہوں. بات یہ ہے, آپ کو اسپیس دینا پڑے گا اپنے رشتوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بہوؤں کو زیادہ دینا پڑے گا. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے, اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آتی ہے, وہاں ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کیوں بھائی, وہ نئے گھر میں آئے گی, اس کو ٹائم ملے گا ایڈجسٹ ہونے کے لیے. تو یہ جو ہم اپنی سوسائٹی کو جج کرتے ہیں, اور جو نور بار بار کہہ رہی ہے, یہ بچے جو لڑکے ہیں, لڑکے کبھی تھوڑی دیر میں بھی بیزار ہو کے, کیونکہ وہاں گانا چل رہا ہوگا تو دے آر مور انٹرسٹیڈ ان دیٹ, لیکن ان کو اپنی بہت سیریس ہونا پڑے گا, اپنے رشتوں میں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور آج وہ بھائی ہے, اس کی بہنیں ہوں گی, آج وہ کل وہ باپ بنے گا. اور کتنے, مجھے تو یہ سوچ کے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے سینے پہ اپنی بچی کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے بچپن میں, اور پھر وہ جب بڑی ہوتی ہے تو غیرت کے نام پہ اس کو مار دیتا ہے. کون سی غیرت,
आप लोगों की गैरत इतनी मामूली चीज़ है, नाक कट जाती है, नाकें आपकी हमारे ऊपर जिंदा हैं, इज्जत करो औरत की तो नाक बचेगी, वरना आप लोग इतने कमज़ोर हैं कि नाक कट जाती है, लड़की ने अपनी पसंद की शादी क्यों की? खुदा का खौफ करें भाई, आपको मज़हब जिसके पैरोकार हो वो आपको इजाज़त देता है। हज़रत बीबी खदीजा अपना रिश्ता खुद भेज रही हैं रसूलुल्लाह से शादी करने के लिए, अपना रिश्ता भेज रही हैं, तो उन्होंने पसंद नहीं किया होगा रसूलुल्लाह को, वो उनको अच्छे नहीं लगे होंगे, क्या वो इंसान नहीं थे? हमारी मोहब्बतें अकीदतें अपनी जगह पे, लेकिन कुरान आपको इजाज़त देता है, आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है। रसूलुल्लाह जब रिश्ता फरमा रहे थे हज़रत अली और बीबी फातिमा का, तो चल के गए हैं और कहा फातिमा तुम्हें पता है कि अली मुझे कितने अजीज़ हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये हक देता हूँ कि तुम अपनी राय का इजहार करो। मैडम बिल्कुल सही। और हम सब जो हैं वो रसूलुल्लाह से भी ऊपर हैं, हज़रत अली से भी ऊपर हैं, हज़रत बीबी खदीजा से भी ऊपर हैं। यार मतलब कहने का ये है कि तालीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ती जब तक आपका ज़हन रोशन ना। सही है, लेकिन अगर हमें इस तरह की जैसे ऐवानों में जगहें दी जाएं, वो स्पेस सिर्फ हमें घर में ज़रूरत नहीं है, हमें ऐवानों में भी ज़रूरत है, हमें वो पोजीशंस चाहिए जहाँ पे ये बातें हम अपने घरों में करते हैं या हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो हम बड़े प्लेटफॉर्म पे करने के लिए हमें उस तरह की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसके लिए आपको इलेक्शन में सोच समझ के अपने नौजवानों को आप ज़रा आमादा करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनकी होनी चाहिए ट्रेनिंग, आप उनको लोकल गवर्नमेंट में लेकर आएं, आप उनको इस लेवल पर लेकर आएं कि वो इसी सोच के साथ जब ऐवानों में बैठेंगे तो किसी वडेरे के मोहताज नहीं होंगे। दूसरी चीज़, इलेक्शन पे जितना खर्चा आता है इसको चैलेंज करें, करोड़ों में कौन भर के और मेंबरशिप लेकर कौन आएगा, जो करोड़ों खर्चा होता है इसको भी देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बदलने वाली, लेकिन सबसे पहले जो है वो एक मस्बत सोच और एक जो ये चीज़ है वो तालीम भी, आप बीए की डिग्री ले लें, एमए ले लें, पीएचडी ले लें, नूर मुकदम हो और उसका मुकदमा हो, एक जाहिल औरत का मुकदमा हो, एक औरत जो है नूर जोखियों की बीवी खड़ी थी ना आखिरी वक्त तक, लेकिन हार मान गई क्योंकि जब घर वालों ने कहा कि भाई कौन पालेगा तुम्हारे बच्चे, ले लो ये 5 लाख 10 लाख 50 लाख मिल रहे हैं रख दो तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे। बहुत मजबूरियां होती हैं, औरत बहुत मजबूर है, उसको उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, चाहे पढ़ी लिखी है चाहे बाहर से बहुत खुद मुख्तार नज़र आती है, लेकिन वो बहुत सारे मामलों में औरत बहुत मजबूर होती है। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम अब हमारे पैनल के सदर मैडम किश्वर नाहिद साहिबा, बहुत सीनियर बहुत बेहतरीन शायरा, मैडम आपने सारी डिस्कशन सुनी, अब मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा कमेंट्स दें कि हम गुनहगार औरतें कहाँ जाएं। देखिए मैं आपको इनकी तरह कुरान की मिसालें नहीं दूंगी क्योंकि अब ये मेरी तरह बुढ़ी हो गई हैं तो ये भी कुरान की मिसालें दे रही हैं। मैं आपको कुरान की मिसाल के जवाब में बताती हूँ कि इन्होंने कहा है कि हज़रत खदीजा ने जो कि सच है पैगाम दिया था, सुनो, और हज़रत खदीजा के इस फ़िक्रे को कि आप ये कहें कि रसूलुल्लाह को उन्होंने ख़ुद पैगाम दिया था शादी का, आप रेडियो टेलीविज़न अखबार में नहीं लिख सकते, मना है आपको, आप नहीं, ये नहीं उनका नाम लेके आप नहीं कह सकते कि उन्होंने पैगाम दिया था और वो खुद ही, तो ये तो हमारा इतना तो इस्लाम समझते हैं। मैं आपको तो 3-4 मिसालें दे के बात को ख़त्म करूँगी। पहली मिसाल नूर मुकदम का केस है जो 2 साल से कोर्ट में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के कानून के पास होने के बाद 17 उसकी तारीखें पड़ चुकी हैं। क्यों? जबकि कोर्ट ने खुद कह दिया है कि उसने माना है कि मैंने उसे मारा है, उसके बावजूद क्यों 17 तारीखें पड़ी हैं? क्योंकि उनका ख़ानदान जो है वो इतना अमीर है कि वो 17 तारीखें पढ़वा सकते हैं, इसलिए पढ़ रही हैं बार बार तारीखें। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, अयाज अमीर का बेटा जिसे ताज़ा ताज़ा 2.5-3 महीने हुए, अपनी बीवी को अपने सामने मारा है और उसकी माँ ने देखा है,
कल उसने अपने स्टेटमेंट बदल के कहा कि मैं आया कमरे में तो कोई मार के चला गया था। ये कोर्ट चल रही है। तीसरी चीज़ जैनब की कहानी, जैनब के घर कसूर में भी मैं गई थी, कसूर में सारा कुछ देखा था। उस बंदे को आपने कहा कि उसने 40 बच्चियों का रेप किया था, उसको आपने फांसी दे दी। एक फांसी देने से मसला खत्म नहीं होता है। आपके कोर्ट्स और ये जिन मेम्बरान की ये बात कर रही हैं, पूरी अब तक सिर्फ सिंध असम्बली ने 18 साल उम्र की है लड़की की, तीनों असम्बलियाँ हमारी लड़कियों की उम्र 16 साल से 18 साल करने को तैयार नहीं है। वो जो औरतें आती हैं वहाँ उसके अंदर मेंबर बन के, वो किस लिए आती हैं? और बाकी जो हम औरतों के वोट लेके आते हैं वो किस लिए आते हैं? कि उन्होंने ये ज़रूरत नहीं है किसी को कि जी लड़की की उम्र 18 साल कर ले। और वो तो आपने देखा ही है, रोज़ चौथे दिन होता है कि 11 साल की लड़की को मौलवी को 10,000 दे के 18 साल डिक्लेयर करके शादियाँ हो रही हैं। असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ तो ये है कि हमने मज़हब को अपने सर पे चढ़ाया, हमने हिस्ट्री सोशियोलॉजी बंद करके हमने एक किताब निकाल ली और वो किताब इस्लामियात के अलावा दीनियात। हमने साइकोलॉजी पे गौर नहीं किया। और हम कभी आज तक जब मैंने सोशियोलॉजी के और टीचर्स भी जो हैं और बॉटनी की टीचर्स जो हैं उन्होंने कहती हूँ कि जब तुम्हारे सामने मैट्रिक के चैप्टर्स आते हैं बॉटनी और ट्रेनिंग, बच के पौधा कैसे पैदा होता है, बीज कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें इसको आप इंसान के साथ करके बोल सकती हैं। तो वो कहती हैं, खुद बताती हैं टीचर सारी, कि अगर हम कहीं बताने लगें तो वालदैन आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को उरानियत सिखा रही हैं। आप एक तरफ ना काम करें, हमारे पूरी सोसाइटी हमेशा से बदनाम और बेकार है और इन्होंने सोचना बंद कर दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा वाकया नहीं देखा जिसमें क्या हुआ। अच्छा, मैं कह रही हूँ ये ना कहो, तो मैंने कहा मैं तो कहूँगा। अच्छा, और आप सिर्फ बच्चियों के रेप की बात कर रहे हैं। आप आज के ज़माने को देखें, बच्चा पैदा होता है उसको 6 महीने का नहीं होता, 3 महीने का होता, आप फ़ोन उसके हाथ पकड़ा देते हैं। फिर बच्चा सब मंजिलों से गुजरता हुआ मेच्योरिटी की, मेच्योरिटी तो मैं नहीं कहूँगी, उनकी मेच्योरिटी कहाँ होती है, 16-18 साल की उम्र को पहुँचते हैं और रात के 2 बजे तक टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। वो मेरा बैग नहीं लेके आई अभी तक, पता नहीं गुम हो गया, उसमें मेरी नज़में हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो वो 18 साल जो आप जिसने ईजाद किया था, वो उसने ये कहा था कि मैंने अपने बच्चों को 16 साल की उम्र तक मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी, और हमारे यहाँ 6 महीने के बच्चे को हम मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। और हमारे घरों में रातों को 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चे अपने किस्से बातें कर रहे हैं, माँ बाप भी चुप हैं, घर वाले भी चुप हैं, और अंजाम आखिर क्या होता है, वही होता है जो आप सुन रहे होते हैं, जो आपको नज़र आ रहा होता है। इसलिए होता है कि हम ना डायलॉग ना हमारा माँ बाप के साथ है, ना डायलॉग मियाँ बीवी के साथ है, हमारा कोई बच्चों के साथ लमा का डायलॉग है। कहीं पहुँच गए आप, हमने डायलॉग की चीज़ को ख़त्म कर दिया। ना टीवी पे डायलॉग होता है, ना रेडियो तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। तो अखबारों में भी डायलॉग नहीं होता, रसूलल्लाह ने फरमाया लिखा होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर दुनिया भर में रेप होता है, दुनिया भर में बच्चों के साथ एक्सप्लॉइटेशन, लेकिन वहाँ के हर मुल्क में उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हर ज़िले में हर स्कूल में, कि वहाँ पे उनको रिहैबिलिटेशन के लिए बच्चों को जो रिकवर होते हैं, जो कई रिकवर भी नहीं होते, कई तो जान से जाते हैं, खेतों में पड़े मिलते हैं, मस्जिद के छत के ऊपर पड़े मिलते हैं, वो तो इतनी जगह से मिलते हैं, लेकिन कहीं पे ये रिहैबिलिटेशन के लिए बाकायदा सेंटर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं, बात करते हैं, और फिर उन लड़कियों को लड़कों को लड़कियों को रिहैब किया जाता है और ज़िंदगी में वापस लाने के तरीके बताए जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने तो कानून भी पास नहीं किया, हमने तो ये कब से पढ़ा हुआ है कानून, कानूनी शहादत का, उसको भी हमने पास नहीं किया। तो हमारे साथ मसला ये है कि हम जितने इस्लामी ममालिक हैं जिसमें सबसे आगे पाकिस्तान आता है, कि हमने
زبانی کلامی قرآن شریف پڑھا ہے, ہم نے مطلب کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھا, جو ان دونوں نے پڑھ لیا شاید میں نے بھی پڑھ جاؤں. تو بڑی بات یہ ہے, بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز اصل میں ہمارے ساتھ ہے کہ سوسائٹی میں, میں رات آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ روڑی سے یہاں تک آتے ہوئے جگہ جگہ دھڑوں کے اوپر 15-20 مرد بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, چلو شکر ہے. لیکن یہ چیز ہمارے یہاں تھڑوں پہ ہوتی تھی, محلوں میں ہوتی تھی, چودھریوں کے یہاں ہوتی, سب چیزیں ہوتی تھیں, سب چیزیں ختم ہو گئیں. کیوں ختم ہو گئیں؟ سامنے ایک ٹی وی بول رہا ہے, اس کے سامنے سب بیٹھے ہوئے, ٹی وی بول رہا ہے اور نہ بول رہے ہیں, نہ کوئی بول رہا ہے, نہ کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنا کلچر, اپنا ڈائیلاگ, اپنی گفتگو, اپنے رشتے, ہر چیزیں ختم کر دی, جس کے ذمہ دار نہ مولوی ہیں اور نہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, کیونکہ وہ تو ہمارے خریدے ہوئے آتے ہیں. وہ کون سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ ان میں سے کوئی اسمگلر ہوتا ہے, کوئی ڈاکو ہوتا ہے, کوئی میلے اونر ہوتا ہے, کوئی میاں ریاض جیسا, ملک ریاض جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے, وہ 10 بندوں کو تیار کر کے بھیج دیتا ہے, وہ آ جاتے. ہمارا کوئی قانون نہیں ہے, ہمارے یہاں کچھ نہیں چلتا سوائے اس کے کہ میں صبح سے سن رہی ہوں اور میں ساری عمر ہو گئی شاعری کرتے ہوئے یہی لکھ رہی ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا. اب نوجوان نسل کے لیے بار بار سب توجہ دلا رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ 55% ہیں ہمارے ملک میں, ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ میں یہ بتا دو ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے. بچے میرے پاس بہت سارے آئے, تصویر اتروانی ہے. اچھا ضرور, ہاں. میں نے کہا بیٹا تم نے مجھے پڑھا ہے؟ نہیں, آپ کو سنا ہے بہت, ٹی وی بھی وغیرہ دیکھا ہے, آپ نے تصویر میں نے آپ کے ساتھ اتروانی ہے. تو اگر جتنے آج 50 کے قریب بچے میرے پاس آئے ہیں, ایک لڑکے کے پاس ایک کتاب تھی اور کسی لڑکی یا لڑکے کے پاس, باتھ روم گئی ہوں وہاں پہ 25 لڑکیاں کھڑی ہیں, میک اپ کر رہی ہیں, دیکھے کھڑی میک اپ کر رہی ہیں. نہیں, میں بہت سڑی ہوئی ہوں, میں بہت سڑی ہوئی ہوں تم لوگوں سب سے کہ وہ کر. میں نے کہا بچوں تم لوگ یہ سننے کے لیے آئے ہو؟ ہاں آئے تو ہیں, ہم ذرا اپنے آپ کو فریش کر رہے ہیں. اور میں جو میٹنگ سے گئی تھی باتھ روم, وہ ویسی کی ویسی واپس آ گئی, اور وہ فریش اپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو میں, معاشرہ پورے کا پورا آپ کا برباد ہو گیا ہے, کتاب پڑھنے کا فن ختم ہو گیا ہے. آپ قرآن شریف مولوی سے سنتے ہیں, آپ قرآن شریف معنی کے ساتھ نہیں پڑھتے. ذاکر اگر مولوی آ کے کرے گا, مولوی ذاکر, اس کی باتیں سنیں گے, پروفیسر اسرار کی باتیں سنیں گے آپ. کوئی پڑھی لکھی خاتون ہماری آئے گی, اس کو کوئی اسٹیج پہ نہیں بٹھائے گا. تو اس لیے اگر یہ چلے گا سلسلہ کہ تلاوت ہو رہی ہے, عورتیں سر ڈھک لیں, مرد کو کچھ نہیں ہوتا. وہ سارے پردے عورت کے لیے ہیں, مرد بے شرم پیدا ہوا ہے, کیا چکر ہے بھائی؟ تو اس لیے آپ کو صرف بچیوں کے اغوا کے بارے میں بات نہیں کرنی, ہمیں زندگی کے پورے معاشرے میں دیکھنا ہے, اور سارے معاشرے میں ہم نے بدلنا ہے. اگر بدلنا ہے نہیں تو تباہ ہو رہے ہیں ہم. آخر اندلس کی تہذیب بھی تو تباہ ہوئی تھی, عثمانیوں کی تہذیب بھی تو تباہ ہوئی تھی, مسلمانوں کی ساری تہذیبیں اسی طرح بنا ہوئی ہیں. تو اس لیے ہمیں, میں بہت تکلیف دہ بات کر رہی ہوں اور اچھی بات نہیں کر رہی, لیکن سچ یہی ہے, سچ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو, نہ ہمارا سلیبس ٹھیک ہے, نہ ہمارے مذہب ٹھیک ہے, نہ ہماری سائیکی ٹھیک ہے, نہ ہماری صحت ٹھیک ہے. ہم تو پودوں کے ملاپ کی بات نہیں کر سکتے, عورت مرد کے ملاپ کی بات تو بہت دور کی بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخری بات کشور نائک صاحبہ, لڑکیوں کو آپ میک اپ کی اجازت ضرور دے دیں. بالکل, لڑکیوں کو میک اپ کی اجازت ملنی چاہیے, وہ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ ہم تو کرنے سے رہے. بالکل یہ ہے, لیکن یہ کہ میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے بچے کتاب نہیں پڑھتے, ہمارے بچے کورس بھی نہیں پڑھتے. لاڑکانہ کے ایک انٹرمیڈیٹ کالج کا رزلٹ آیا, 100% فیلئر, اخبار میں چھپا ہے. کون قصوروار ہے؟ ٹیچر, بچے کے ماں باپ.
हम सब कसूरवार हैं, हम पैसे की दौड़ में पड़ गए, हमें डॉलर कमाने हैं, बाहर जाना है, चाहे कश्तियाँ डूब जाएं, चाहे 400 बच्चे एकदम मर जाएं, लेकिन हमें उससे भी सबक नहीं मिलता। अब तो हम भिखारियों को भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं, हम तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए हमें ये अगला सेशन भी मुझे करना है, इसमें मुझे है ना, हम तो भिखारी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, कहने का मकसद ये है कि किताबें पढ़ें लेकिन मेकअप करके पढ़ सकते हैं, इतनी इजाज़त होनी चाहिए। नहीं देखो, बात ये है कि ये इसने भी अपनी उम्र की बात की और अपने ज़माने की बात की, इसने भी बात की, मैंने भी अपनी की, कि अगर मैंने ये कह दिया था घर में कि मैं इस शख्स से शादी करूँगी, तो मेरी माँ बाप ने मुझे ये सजा दी थी कि उसने कहा कि अच्छा निकाह करो जाओ, ठीक है, निकाह किए, शुक्र है उन्होंने निकाह कर दिया था। तो वो आ गई, मैं एक साल तक ना उसके माँ बाप मिले क्योंकि वो कश्मीरी थे, और ना मेरे माँ बाप मिले क्योंकि हम सैयद थे। इस बिना के ऊपर ये दोनों ख़ानदान नाराज़ रहे, लेकिन हमने अपने आप को खड़ा किया और अपने आप अपनी कोई दो कितने महीने तक हमने आलू और रोटी खाई खाली बगैर तेल के, कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, कहीं रहेंगे नहीं। तो आखिर अपने आप को तवाना करने के लिए ज़रूरी होती है कि इंसान कोई मेहनत करे। ये तो नहीं चल सकता कि जी हम मैंने मुझे 1000 लड़कियों और लड़कों का पता है जिनकी शादियां उनकी साथ सोने के बाद हुई होती हैं, और माँ बाप इज़्ज़त रखने के लिए उनको दोबारा ऑफिशियल शादी करते हैं, जहाँ 400 बंदों को बुलाते हैं, जाके उन्हें पता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप रह चुका है। तो माशरा तो आपका बहुत बुरा हो चुका है, इसको बेहतर करने के लिए गाजी बैठे हुए हैं, नसीर बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग सब बैठे हुए हैं, जाफर साहब बैठे हुए हैं, इनके पास अगर कोई किताबें हों तो दे दें। मैं तो जितनी किताबें ज़िंदगी की हो सकती थी, अरे वो आ गई किताबें लेके, लाओ मैं तो एक किताब, एक जो मुझे वो ये कह रहा था अय्यूब, कह रहा था कि मैं गुनाहगार औरतें सुनाऊँ। गुनाहगार औरतें तो हम सभी हैं, मर्द भी गुनाहगार हैं, लेकिन मैं इसमें एक नज़्म है जो मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि ये हमारी सूरत हाल है। पानी है बोलो। इसका नाम है घर की बात। कितने वर्षों से बच्चे अपने दोस्तों से बात करते करते थकते नहीं, वालदेन कुर्ते और दरगुजर करते रहते हैं। फेसबुक और फिर टिकटॉक ने तो नए दरवाजे खोल दिए हैं, मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी आ गया है। तारुफ़ में बातें रात समेट लेती हैं, तारुफ़ में बातें रात समेट लेती हैं। इंतज़ार रहता है सब सो जाएं, फ़ोन ज़िंदगी के वर्क खोलते खोलते पूछ लेती है, मुलाकात की सीढ़ियों पे कब गुजरोगी, मुलाकात की सीढ़ियों से कब गुजरोगी। हंसी हंसी में फरमाइशें बढ़ती जाती हैं, चेहरे से आगे बढ़ने की बातें, विशाल के जायकों को लफ्ज़ों में पिरोना, बार बार बदन का बुलावा। पहले उसने मोबाइल पे खुद को बेलिबास किया, सच्ची बातें ये, पहले उसने मोबाइल पे खुद को बेलिबास किया, और लाख दफ़ा इसरार के बाद उसने कहा, तुमने मुझे देख लिया ना, अब बस एक दफ़ा तुम्हारी बेलिबासी का हुस्न आँखों में उतार सकूँ। मुलाकात से पहले ये मुलाकात, ये दीदार, बस एक दफ़ा मुझे पसीना आ गया था और मेरे हाथ कमीज पे था, मैं बदहवास होके सब कुछ भूल गई। रातें गुजरती रहीं, बातें बढ़ती गईं। एक दिन मेरे भाई के दोस्त ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक लड़की का खूबसूरत बदन दिखाऊं। भाई ने देखा और देखते ही चकरा कर गिर गया, होश आया तो मुझे मारने के लिए दरवाजे तक आया और फिर पिस्तौल अपने ऊपर दाग लिया। ये ताली बजाने वाली नज़्म नहीं है, ये ताली बजाने वाली नज़्म नहीं है, ये गौर करने वाली।
हम गुनाहगार औरतें, आप इतनी दफा गुनाहगार औरतें पानी दे दो यहाँ। वो गुनाहगार औरतें भी इन मौलवियों का जिन्होंने तस्करा किया है, उस वजह से वजूद में आई थी कि हम 400 औरतें थी जुलूस निकाल रहे थे कानूनी शहादत के खिलाफ। वो हमारे साथ हबीब जाली भी था, मैं उसे साथ ले गई थी। तो जितने हम थे उससे दुगनी पुलिस थी। अभी हमने सिर्फ हमने ये करना था कि हमने एक मेमोरेंडम बनाया था जो हाई कोर्ट में जो हॉल रोड के सामने सड़क है वहाँ जा अक्रॉस जाके देना था। लेकिन जिस वक्त हमने चलना शुरू किया उस वक्त जो हम पे डंडे पड़े, ऐसे डंडे पड़े कि आधे लोग हम अस्पताल चले गए और आधे लोग हम जो थे वो जेल में चले गए। खैर रात को 12 बजे के बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब हम वापस आए हैं तो जालिब तो बहुत बुरा हाल था। तो हिना आसमा और इत्तेज़ाज़ ने फैसला किया 1983 है, हॉल रोड है लाहौर जहाँ का दौर। तो हम लोगों ने एक दूसरे से बात की तो उससे अगले दिन रिपोर्ट अखबार में आई, इतनी सी खबर, औरतों के जुलूस पे तशद्दुद और लाठी चार्ज, और इतनी बड़ी खबर थी। मौलवियों ने कहा कि जो औरतें इस जुलूस में शामिल थीं उन सब के निकाह फिस्क हो गए। तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, हम तो फारिग हो गए। हमने मियाँ को कहा जाओ तुम जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा निकाह ख़त्म हो गए। हबीब जालिब भी उसी में थे, हबीब जालिब पर तशद्दुद हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम बार रूम में जलसा करेंगे, और मुझे बिठा दिया कि आधे घंटे में नज़्म लिखो। मैंने आधे घंटे में नज़्म लिख ली, और वो नज़्म अब मेरी नज़्म नहीं है। मेरी जितनी बच्चियाँ, जितने मुल्क की बच्चियाँ, बच्चे, सारी दुनिया की लोग जो हैं वो उसका वी सिनफुल वोमेन तर्जुमा पढ़ते हैं। उस पर 10,000 दफ़ा डांस बन चुकी है, 10,000 दफ़ा ड्रामे बन चुके हैं, और 10,000 दफ़ा लोगों ने उस पर वर्कशॉप्स किए हैं। तो वो पेश करती हूँ, ये पानी नहीं खुल रहा तुम्हें कहें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरें, नियाबत इम्तियाज़ ठहरें, वो दावर अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो जुगाने कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताकुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी। सुन लो कि अब ताकुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद ना करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। शुक्रिया आपा, आपने बहुत खूबसूरत लेकिन कड़वी बातें की, और आज के सेशन को इस तरह से समअप करेंगे कि नो डाउट चेंज आ रही है, लेकिन जो अंधेरा है इस थोड़ी सी रोशनी के पीछे उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता। और जैसे कि हमने कहा कि फ्यूडल सिस्टम या पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है जो कि इन फ्यूडल्स को सपोर्ट करता है, जिसमें ना सिर्फ हमारी बच्चियां बल्कि हमारे जान मोहम्मद महर जैसे या फिर अजमल सावंत जैसे हीरोज़ भी ये खा जाते हैं। तो इस सारी जो हमारी डिस्कशन हुई उसका यही नतीजा निकला कि ये सिस्टम कभी भी ऐसे तब्दील नहीं होगा जब तक आप और हम खुद इसको तब्दील नहीं करना चाहेंगी। किसी का इंतज़ार नहीं करना है, ख़ुद कदम बढ़ाना है। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल और जवाब का इन्होंने मना कर दिया है तो हम नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया। एक मिनट इधर बैठें, बिल्कुल दो जवान लोग यहाँ आपसे दो मिनट बातें करेंगे, बैठें। मरियम प्लीज़ कम ऑन, बियो बियो, ये मरियम जी गाल बुदो। बाबा ये गाल बुदवल। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम मरियम है और मैं 10वीं जमात से पढ़ती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने एक तकरीर करूँगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों की भीड़ खूब जानता है, देखने वाली आँखें और सुनने वाले कान, आप सब लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम मरियम सुमरो है, मेरा ताल्लुक सखर शहर से है। सब जानते हैं कि सखर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अच्छी तालीम हासिल करने के लिए मौके भी वसी हैं। लेकिन क्या हर किसी के बस में है अच्छी तालीम हासिल करना? क्या आप सब लोगों को लगता है कि हर कोई अच्छी तालीम हासिल कर सकता है? इस शहर में बहुत सारे अमीरों के साथ बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं। यहाँ पर अमीर लोगों के साथ बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, जो कि आम तौर पर अच्छी तालीम महरूम नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ, मैं उन चंद लोगों में से एक बहुत खुशनसीब लोग हूँ जिनके सर पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का सर कसाया है। ये कहानी शुरू होती है तब से जब मैं 5वीं जमात में थी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप का इम्तिहान लिया, इसमें मैंने पूरे सखर में दूसरी पोजीशन और पूरे सिंध में तीसरी पोजीशन हासिल की। जिस तरह खुदा ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, उसी तरह मैंने भी अपने मेहनत का फल हासिल किया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मैं अरबी पब्लिक स्कूल में दाखिला मिला, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन मैं उस खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसकी रहमत के बदौलत आज मैं इस मकाम पर पहुँची हूँ कि मैं आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ। मेरी नज़र में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ना सिर्फ एक इदारा है, बल्कि बहुत सारे गरीब और मेहनती तलबा के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिसके बदौलत मेहनती शागिर्द बासानी अपने मंजिल और मकसूद पर पहुंच सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की ताबन से अपनी तालीम हासिल करके एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँगी और अपने मकसद हासिल करके कामयाब रहूँगी। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करूंगी। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी सौज जिगर है, इल्म है सौज दिमाग। शुक्रिया।